क्या आप लोग ये सवाल देखकर चौंक गए हैं कि आपकी पढ़ाई शुरू हुई है या नहीं हुई है? तो मैं तो कंफर्म हूं कि बहुत सारे लोगों का पढ़ाई शुरू अभी नहीं हुई है, अभी बहुत बाकी है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। तो आज है संडे और आज ये संडे का संडे स्पेशल वीडियो है और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। तो मैं बात करूंगा आज इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है इस पे बात करूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बतलाता हूं कि कैसे आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। आप लोग देखते होंगे जब आप लोग घर में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट जो घर में रहते हैं उसको कोई उसका बड़ा जो है उसके मम्मी पापा या उसके भाई बहन जो होते हैं तो उसको टाइम टू टाइम बोलते रहते हैं कि अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई करो, इतना बजे टाइम हुआ तो पढ़ाई करने के लिए बोलते हैं। और स्टूडेंट जो होते हैं इरिटेट होते हैं कि बार बार पढ़ाई करने के लिए कहा जाता है। तो यही चीज है वो जहां पे पता चलता है कि आपकी पढ़ाई शुरू हुई है या नहीं। तो जब स्टूडेंट एक स्टूडेंट को जब किसी को बोलने की आवश्यकता न पड़े कि अपनी पढ़ाई करो, उसको अपने पढ़ाई की जिम्मेदारी जो है खुद पता चलने लगे कि मुझे कितनी पढ़ाई करना है, क्या करना है, उसको कोई भी डायरेक्शन देने की मार्गदर्शन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है जब उसकी पढ़ाई चालू हो जाती है। सपोज एक कहानी में बतलाता हूँ छोटा सा रिलेटेड। एक गाड़ी है, इंजन कोई भी गाड़ी है, अब उसको जो है धकेल के हम ले जा रहे हैं, इंजन है चालू नहीं है बंद है, उसको धकेल के किसी तरह से ले जा रहे हैं धकेल रहे हैं। और एक इंजन उसी तरह से है, दूसरा इंजन, दोनों इंजन को धकेल रहे हैं, इसको भी और इसको भी। अब क्या हुआ कि एक इंजन जो है चालू हो गया, अब जो चालू हो गया क्या उसको धकेलने की आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता है, क्योंकि वो चालू होने के बाद खुद चलने लगेगा। और जो चालू नहीं हुआ उसको और धकेलते अब धकेल के कितना दूर ले जा सकते हैं? ज्यादा दूर नहीं ले जा सकते। तो जो चालू हो गया उसको धकेलने की जरूरत नहीं, वो अब खुद चलते रहेगा। और जो चालू नहीं हुआ है उसको धकेलते आप परेशान होंगे और फाइनली क्या होगा, फाइनली आप उसको छोड़ देंगे, जहां तक आप धकेल सकते हैं वहां तक गया, उसके बाद छोड़ देंगे कि अब जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो खत्म। तो वैसी स्थिति होती है स्टूडेंट की, स्टूडेंट को गार्जियंस टीचर्स जो है उनको धकेल धकेल के आगे बढ़ाते हैं कि अब चलो अपनी जिम्मेदारी को समझो। अगर वो समझ गया तो फिर स्टूडेंट को उसके टीचर को उसके पेरेंट्स को एफर्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, अब उसकी पढ़ाई चालू हो गई है। तो अभी तक आप लोगों की पढ़ाई चालू नहीं हुई है, अगर आप लोगों को कोई भी गार्जियन को बोलने की आवश्यकता पड़ता है कि पढ़ने के लिए बैठो, कितना बजे स्कूल जाना है, कितना बजे तैयार हो जाओ, इस तरह की अगर बोलने की आवश्यकता पड़ रहा है तो फिर आप समझ लो कि आपकी पढ़ाई अभी चालू नहीं हुई, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए हैं। जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, आप स्वतः अपने आप आपको टेंशन रहेगा कि हमको इतना चैप्टर कंप्लीट करना है, हमको इतना कोर्स जो है इतना बुक का पढ़ाई कंप्लीट करना है। तो ये जिम्मेदारी जब आपके अंदर आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपकी पढ़ाई चालू हो गई है। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा और आप एक जिम्मेदार स्टूडेंट उत्तरदायित्व स्टूडेंट बनने का प्रयास करेंगे और जल्द ही अपनी पढ़ाई को चालू करेंगे। तो नेक्स्ट संडे को फिर से मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।